हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के चारों का रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती है, आपको जरा भी पॉजिटिविटी फील होती है, आप जरा भी कनेक्टेड फील कर पाते हो इस रीडिंग के थ्रू, तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये क्रिस्टल्स आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं, स्पेसिफिकली ये रिलेशनशिप क्रिस्टल, ठीक है, जो कि अब चेन फॉर्म में है। अगर आप इन क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, पेंडेंट फॉर्म में लेना चाहते हैं, ठीक है, ट्री फॉर्म में लेना चाहते हैं, पिरामिड फॉर्म में लेना चाहते हैं, सभी फॉर्म्स में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके के क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जो कि आपके रिलेशनशिप को हील करता है, तो अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं अपने नाम, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवा कर, तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं या फिर अगर आप अपने लिए लाइक टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग मेरे हस्बैंड मिस्टर अंकित करते हैं, तो भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आगे चलते हैं। जितने नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें ये भी बता दूं कि जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है जो अब सभी के लिए बनाई जा रही है। इस रीडिंग में जितना पार्ट भी आपके साथ रेजोनेट करे रखे, जो पार्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का ही ध्यान करें ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। एंड साथ ही साथ डिवाइन से प्रे जरूर करें कि आज की रीडिंग आपको एक्यूरेट और करेक्ट गाइडेंस देकर जाइए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचें, इस पार्ट को स्किप नहीं करना है क्योंकि इसी समय आपकी एनर्जीज पिकअप होती हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस शख्स की एनर्जीज क्या है, क्या है उस पर्सन का माइंड सेट। तो सबसे पहले यहां पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, सेवन ऑफ वैंड, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड एंड बॉटम में हमारे पास फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी है। वन सेकेंड, चलिए इन कार्ड्स को कुछ क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर हमें और क्लियर होगा कि किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स, प्लीज हेल्प करें, बताएं हमें कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्या बताना चाहती है, क्या क्लैरिफाई करना चाहती है मेरे व्यूअर्स को। सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के लिए आ रहा है नो थिंगनेस, ओके, प्रोजेक्शन। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए हमारे पास कार्ड है क्रिएटिविटी, ओके। सेवन ऑफ वैंड्स क्या क्लैरिफाई करना चाहता है, लवर्स, ब्यूटिफुल। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताना चाहती है द आइसोलेशन, एंड नाइन ऑफ वैंड के लिए है क्रिएटिव, और बॉटम में हमारे पास फाइव ऑफ वैंड विद पेशेंस, ओके। मे बी जो शख्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके जोरियक साइंस जो हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी भी है, यानी ये जो रीडिंग है एक तरीके से ऑल जोरियक साइंस के लिए है, सभी जोरियक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए सबसे पहले तो आज मैं ना मतलब जैसे बात करना चाहती हूँ कि आखिर क्यों, क्या वजह क्या है कि लाइक आपके पार्टनर जैसे आप सोचते हो कि नहीं बात कर रहे हैं आपसे, राइट। तो कहीं ना कहीं आज मैं उनकी वजह यहां पर देख पा रही हूं कि क्यों आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर एनर्जी फाइव ऑफ पेंटिकल की है, ठीक है, जिसको नो थिंगनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। नो थिंगनेस इज ऑल्सो द एनर्जी जहां पर
आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. नो थिंगनेस इज एन एनर्जी जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड से रहते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर उन्होंने बहुत लेसन सीखे हैं इस रिलेशनशिप में. ठीक है, बहुत लेसन उनके सामने रहे हैं. अब यहाँ पर एनर्जी आती है फाइव ऑफ पेंटिकल्स की. मे बी आपके पार्टनर इस समय किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करते हुए से नजर आ रहे हैं. जब से वो आपसे अलग हुए हैं, जुदा हुए हैं, तब से ये दूरियां बैठी है ना, तब से मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड उनके लाइफ में नहीं रहा है. ठीक है, जहां पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहे हैं. अब जैसे हम यहां पर बात कर रहे थे कि आपके पार्टनर आखिर आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, तो मुझे यहां पर उनका सबसे पहला पर्सपेक्टिव करियर नजर आ रहा है कि मे बी शायद अपने करियर की वजह से या फिर अपनी लाइफ में उनके बहुत गोल्स, बहुत एम्स है जिनको वो हासिल करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें हैं. ठीक है, जिनको वो हासिल करना चाहते हैं, जो उनकी लाइफ की प्रायोरिटी है. ठीक है, आपको उन्होंने अपनी लाइफ की तब प्रायोरिटी नहीं माना. ठीक है, और यहाँ पर उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी माना है. तो मुझे सबसे पहला पर्सपेक्टिव तो यहाँ पर फाइनेंसेस और करियर नज़र आ रहा है. लेकिन और भी एनर्जीज यहाँ पर हैं. जैसे अगर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि अगर आप लाइक सपोज करो आप मैरिड हो और आपके पार्टनर मैरिड है. ठीक है, अगर यहाँ पर ये एनर्जीज हैं कि आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे इसलिए भी बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि कहीं वो आपसे बात करें और आपके हस्बैंड को पता चल जाए, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए. ठीक है, और आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, आप पर बात आए या फिर अगर उन पर बात आए, तो शायद वो चीज़ें वो सह नहीं पाएंगे. ठीक है, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो. और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो यहाँ पर उनकी भी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड की, या फिर अपने घर की. ठीक है, अपने बच्चों की और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जहाँ पर वो खुद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन में मुझे दिख रहे हैं. जितना आप इस रिलेशनशिप को लेकर दुखी और परेशान रहते हो ना, जब रोतों को सो नहीं पाते हो, बहुत टेंशन, ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपके अंदर भी रहती है, उतनी ही एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में भी रहती है. और अगर नाउ राइट नाउ इज इफ दिस इज द सिचुएशन जहां पर आप दोनों की ही ऐसी एनर्जी, यहां पर मुझे प्रोजेक्शन की एनर्जी दिख रही है जहां पर आप दोनों की फीलिंग्स एकदम म्यूचुअल हैं, आप दोनों की सिचुएशन एकदम म्यूचुअल है. ठीक है, और यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या कोई थर्ड एनर्जी ऐसी है. जैसे मैंने कहा ना, करियर हो सकता है, उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनकी सिस्टर हो सकती हैं. ठीक है, तो कोई ऐसा थर्ड फैक्टर है जो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट और कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं करना कर पा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपके नेचर, आपके लुक्स, आप जिस हिसाब से अपने आप को कैरी करते हो, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित से हैं. ठीक है, उन चीज़ों से लेकर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. ठीक है, और आपको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं. मुझे उनकी ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आप उनके लिए स्पेसिफिकली, जब से ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है ना, तब से आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की एक प्रायोरिटी बन चुके हो. इस पार्टनर ने आपको बहुत, आपके पार्टनर ने आपको बहुत मैनिपुलेट, बहुत ज़्यादा लाइक कंट्रोल करने की कोशिश करी है, या फिर इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है. इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपको बहुत रेड सिग्नल्स दिए हैं. ठीक है, कि मुझसे बात मत करो, अवॉइड करा है इस पर्सन ने आपको. ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर उन्होंने गुस्से में या नाराजगी में बहुत कुछ आपको कह दिया जो आपको पिंच करा, जो आपको हर्ट करा, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है. ठीक है, लेकिन शायद वो उन चीज़ों को मीन नहीं करते थे, शायद उनका मतलब नहीं था उन चीज़ों को वैसे कहने का, वैसे समझाने का, जैसे शायद आपने उन चीज़ों को लिया. ठीक है, आपने भी अगर उन्होंने आपको मना कराना, ठीक है, कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो आप भी पीछे रहे, आपने उन्हें चेज नहीं करा, आपने उन्हें मनाया नहीं. ठीक है, तो अगर उन्होंने आपको रेड सिग्नल दिखाया तो आप भी रुक गए, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है. लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, आप उन्हें अट्रैक्टिव लगते हो, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आप जिस हिसाब से अपने आप को कैरी करते हो, आप अपनी अपने ऊपर जिस हिसाब से वर्क करते हो, मे बी आप बहुत जिम सीकर हो. ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि आपको जिम बहुत पसंद है. ठीक है, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल तो आपको मेकअप बहुत पसंद है, मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द एनर्जी जहाँ पर बहुत मदरली वाइब्स भी आप अपने पार्टनर को देते हो, जहाँ पर आपकी केयर वो बहुत याद करते हैं, जिस हिसाब से आप उनकी केयर करते हो, आप उनको ध्यान रखते हो, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ध्यान आती हैं. ठीक है, ये जो आपके पार्टनर है ना,
जब भी आपको देखते हैं, ठीक है, इनका बहुत इच्छा होती है, दे लिटरली, मुझे इस समय उनकी इच्छा नज़र आ रही है, जैसे वो आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, दे लिटरली वांटेड टू सी यू, दे लिटरली वांटेड टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, वो ये फील करना चाहते हैं कि उन्होंने अभी भी आपको खोया नहीं है, ठीक है, अभी भी आप उनकी ज़िंदगी में हो, वो चीज़, वो जो एक फीलिंग है ना, वो उनके लिए बहुत प्रेशियस है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है सेवन ऑफ वन विद द लवर्स, मे बी आप में से ज़्यादातर लोग जो है किसी सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है, अगर आपको इस चीज़ का और बारे में ऑलरेडी पता है, कन्फर्म्ड है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ पर आप लोग जो हो वो एक तरीके से सोलमेट एनर्जी में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर ने अभी भी होप्स नहीं खोई है, ठीक है, इट्स लाइक दैट एनर्जी, जहाँ पर उन्होंने अभी भी होप्स नहीं खोई हैं, ठीक है, उनमें अभी भी फेथ है कि अभी भी चार चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी, जो कुछ भी हुआ है आप समझोगे, वो ना डेफिनेटली आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी कारण वो आपको छोड़ कर गए ना, जिस भी कारण उन्होंने आपको दूरी बनाई आपसे, तो वो रीजंस आपको देना चाहते हैं और वो जेन्युइन रीजंस होंगे, ठीक है, वो कोई फेकिंग नहीं करेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कोई ड्रामा नहीं करेंगे, जो है वो आपके सामने रखेंगे, ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके सामने वो अपने रीजंस रखना चाहते हैं, ठीक है, आपको बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो लिटरली उनकी ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर उन्होंने शायद ये स्पेस लिया है, कुछ ब्रेक लिया है आपसे, ठीक है, और ज्यादा सोचने समझने के लिए। अच्छा, अगर आप एक लाइक दोनों ही अनमैरिड हो, ठीक है, लाइक अ लवर की एनर्जी, तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज की वाइब्स आ रही हैं, यहाँ पर मुझे एंगेजमेंट की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। अच्छा, अगर आप दोनों अनमैरिड हो, ठीक है, तो मुझे जो रीजंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मैं वो भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो ना, ठीक है, और आपके पार्टनर डर रहे थे, आपसे कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं रीज़न, वो भी कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट भी रीज़न था, ठीक है, आप जैसे उनके साथ जो सीरियस टॉक आप करते थे या सीरियसली बहुत बातें आप उनसे करते थे ना, तो वो चीज़ें कहीं ना उनको थोड़ा डराती थी। अब डराना इज़ नॉट इन अ बैड सेंस, आप मेरी चीज़ को समझने की कोशिश करना, और जो अगर ये चीज़ रेजोनेट करे तो डेफिनेटली रखो, नहीं कर रही तो इट्स ओके, बट तो उसे स्किप करो, लेकिन जो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो आपको बताऊँ। सो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप जो डे बाय डे उनसे सीरियस हो रहे थे, आप जो डे बाय डे उनसे कमिटमेंट की बात कर रहे थे, आप डे बाय डे जो उनसे स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जो आपसे ना ब्रेक लिया, आपसे थोड़ा स्पेस लिया है ये सोचने के लिए कि वाकई में कि आप दोनों कंपैटिबल हो, वाकई में वो आपसे दूर तो रह पाते हैं या नहीं रह आते हैं। इस ब्रेक के दौरान वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, वो ये सोचते हुए से नजर आ रहे हैं कि क्या उनकी फैमिली जो है वो एग्री करेगी आप दोनों के रिश्ते के लिए, क्या वो आपके लिए कल को स्टैंड ले पाएंगे या नहीं, तो वो आपकी तरफ ना आना चाहते हैं एक क्लियर माइंडसेट के साथ, ठीक है, तो अपने वो क्लियर माइंडसेट बनाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये ब्रेक, ये स्पेस लिया है, ऐसी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और अब जब वो आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर इट्स लाइक अ नाइन ऑफ वैंड, आप देख रहे हो, जस्ट वन स्टेप मोर, ठीक है, सिर्फ एक स्टेप और लेना है एंड दे विल बी एंटर्ड इन योर लाइफ, वो आपकी लाइफ में एंटर ले चुके होंगे, ठीक है, सिर्फ एक स्टेप उन्हें लेना है, तो वो एक स्टेप लेने से पहले ना, जब वो लेंगे ये स्टेप, तो उस समय कहीं ना कहीं वो बहुत क्लियर माइंडसेट में होंगे, उनका नज़रिया आप खुद देखोगे पूरे तरीके से बदल चुका होगा, वो पूरे क्लियर माइंडसेट में होंगे कि उन्हें आपको क्या कहना है, आपको क्या कमिटमेंट देनी है, वो फेकिंग वाले बंदे नहीं हैं जो फेक करें कि हाँ भैया मैं तेरे को कमिटमेंट दूंगा, फेक प्रोमिसेस करें या झूठ बोलें आपसे, वो उस तरीके का नेचर उनका है ही नहीं, ठीक है, तो वो ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन एक क्लियर माइंडसेट के साथ, आपको वो चीज़ें कहना चाहते हैं जो वो पूरी कर पाएं, आपके साथ वो प्रोमिसेस करना चाहते हैं जो वो वाकई में बाद में कीप रख सकें जिन प्रोमिसेस को, ठीक है, तो वो आपके सामने झूठे प्रोमिसेस नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर उनकी ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर डेफिनेटली ये सिचुएशन उनकी क्रिएट करी हुई है, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो डेफिनेटली ये सिचुएशन उनकी क्रिएट करी हुई है, दे आर द क्रिएटर, उन्होंने ही, वो ही दे आर द पर्सन जिन्होंने आपको ये नो कॉन्टैक्ट टोटल सेपरेशन दिया है, ठीक है, दे नो इट वेरी वेल कि उनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए पहले ज़रूरी है कि वो क्लियर माइंडसेट में आए, राइट, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो क्लियर माइंडसेट में आने के लिए उन्होंने ये ब्रेक लिया है, ठीक है, जैसे ही वो क्लियर माइंडसेट में आएंगे डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मुझे आपकी ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी शांति रखने की ज़रूरत है, ओके,
तो यू नीड टू हैव पेशेंस, आपको थोड़ा स्पेस, थोड़ी शांति रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इतनी ज़्यादा हर चीज़ की हड़बड़ी मत करो, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ आप ना बहुत जल्दबाजी चाहते हो, ठीक है। अगर एक पेड़ भी लगाओ ना तो उसे भी ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एक बच्चा होता है, छोटा होता है, एकदम से पैदा ही होते बड़ा नहीं हो जाता है बच्चा। पेड़ बीज लगाते हो तो उसे भी ग्रो करने में समय लगता है, ठीक है। तो इतने इम्पल्सिव मत हो, आपको एकदम से एक्शन चाहिए, दैट इज़ नॉट राइट ना, ठीक है। तो एकदम से एक्शन का वेट मत करो, यू नीड टू वेट। अगर इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्टमेंट करी है, यहाँ पर ये सब पेंटिकल की एनर्जी है, इतनी वेट करा है आपने इस रिलेशनशिप में, तो यू नीड तो और थोड़ा वेट से, ठीक है। लेकिन ठीक है, चीज़ों को एकदम इम्पल्सिव मत बनाओ, ठीक है। एकदम से ऐसा मत सोचो कि हाँ आज ही काम हो जाए, आज ही रीयूनियन हो जाए, आज ही रिकन्सिलेशन हो जाए। हो सकता है, काफ़ी लोगों का भी हो सकता है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ वन डे ऑल्सो, एक दिन की एनर्जी भी है ये, ठीक है। हो सकता है रीयूनियन, मैं उसे इम्पॉसिबल नहीं कह रही हूँ, बट इतने इम्पेशेंट मत बनो, ठीक है, कि आपको ऐसा फील हो कि आज ही सब कुछ हो जाए, आज ही रीयूनियन हो जाए, आज ही वो आए, आज ही मुझे कमिटमेंट दे दे, एकदम से मुझसे बात करते ही मुझे सीधा फ़ोन करके कहे कि हाँ भैया ठीक है मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है, थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, चीज़ें वक्त लेती हैं, ठीक है। उन्हें भी क्लियर माइंडसेट में आने में वक्त लगेगा, ठीक है। एकदम से कोई नहीं बदल सकता, एकदम से आप बदले हो, आप बदल रहे हो एकदम से, नहीं ना, तो जस्ट गिव देम सम टाइम। सो मुझे पता है यहाँ पर ये एनर्जी भी फील हो रही है कि जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि वेट फॉर मी, ठीक है, मेरा इंतज़ार करो, ठीक है, आई विल कम, ठीक है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएंगे वो ये कहना चाहते हैं आपसे, तो वो एनर्जी भी मुझे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में फील हो रही है। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हुए से दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी सा फील करते हुए दिख रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं मुझे इनकी ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर पीस ऑफ माइंड इनके पास भी नहीं है। अगर आप में नहीं है पीस ऑफ माइंड, इनके पास भी नहीं है, इस चीज़ को समझो। मैं आपको यहाँ पर ना एक गाइडेंस भी मुझे अभी इंट्यूटिवली मेरे दिमाग में आ रही है, तो मैम जस्ट गिविंग इट टू यू कि आप इस रिलेशनशिप को ना एक थर्ड पार्टी की तरह एनालाइज करने की कोशिश करो, कि जैसे आप कोई और हो, ठीक है, और जो आपका रिलेशनशिप है, आप और आपके पार्टनर, उस जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, एक थर्ड पार्टी की तरह उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, चीज़ों को सोचने की कोशिश करो। जब आप एनालाइज करोगे ना, आप खुद फील करोगे कि बहुत चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज जब शांत बैठो, जब शांत बैठो, एकदम अभी नहीं, मैं कह रही हूँ जब एकदम शांत बैठो ना, तो उस समय सोच के देखना, ठीक है, कि आप अगर कोई और हो और ये ऐसा रिलेशन जैसा आपका और आपके पार्टनर का है आपके सामने आता है, तो क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, क्या क्लैरिटी की ज़रूरत है, आप में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर में क्या बदलाव आने की ज़रूरत है। तो एक थर्ड पार्टी की तरह इस रिलेशनशिप को ना एनालाइज करके देखना, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत चीज़ें, ओके। सो ये एनर्जी अगर अभी तक रेजोनेट करी ना, तो फटाफट से लाइक कर दो, हम तब तक गाइडेंस एनर्जीज देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन के लिए, जो सिचुएशन में इस समय मेरे व्यूअर्स हैं। सो यहाँ पर एनर्जीज हैं, ब्रिंग लव इन द सिचुएशन, आप लव लेकर आओ, ठीक है। आप में ना रिग्रेट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आप में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यार मैं इतना परेशान हूँ तो वो परेशान क्यों नहीं है, मैं इतनी दुखी हूँ तो वो दुखी क्यों नहीं है, आप पे ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको लव लेकर आना है सिचुएशन में, ठीक है। तो ब्रिंग दैट लव इन द सिचुएशन, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या होता, ठीक है, तो आप क्या करते, थिंक अबाउट इट, सोचो, एक थर्ड पार्टी की तरह सोचो, ऐसे सोचो कि आप अगर उनकी जगह होते तो आप क्या करते, और मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट्स में बताओ मुझे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वाइब्रेशंस, इस एनर्जी में वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप की वाइब्स और बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, दैट इज देयर एनर्जी। और जब वाइब्स इंक्रीज होती हैं तो क्या इंक्रीज होती है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, हैप्पीनेस इंक्रीज होती है, रीयूनियन के चांसेस इंक्रीज होते हैं, रिकन्सिलेशन के चांसेस इंक्रीज होते हैं, एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब द वाइब्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड, ओके। चलो मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ मैसेज दें मेरे व्यूअर्स को, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो वी कैन चैट फॉर एवर, वाओ, दे लिटरली वांटेड, इतनी बातें हैं उनके पास, इतनी अनकही बातें उनके दिलो दिमाग में है कि वो आपसे कितना कुछ कहना चाहते हैं, कि वो हमेशा जिंदगी भर भी शायद आपसे बात करते रहे तो कम पड़ जाए। ओके, योर पेशेंस इज अनरियल, आपका पेशेंस एकदम अनरियल है, वो भी जानते हैं कि आपने बहुत वेट करा है, बहुत वेटिंग एनर्जीज दी हैं इस रिलेशनशिप को, और आपका पेशेंस अनरियल है, इतना इंतज़ार कोई नहीं करता किसी का जितना आपने इस शख्स के लिए करा है। तो
जब करा है, अब जब खुद को डाल दिया है इस रिलेशनशिप में, इस रिस्क में डाल दिया है, तो फिर सोचना क्या है, नहीं है? तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है. जब डाल दिया तो इट्स ओके ना, फिर डाल दिया तो डाल दिया, बस अब क्या सोचना है फिर, है ना? कोई सेकेंड थॉट देना ही क्यों, है ना? अगर मैं एक चीज़ इस बात से मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई है, दैट अगर सेकेंड थॉट आता है ना, तो फिर सेकेंड थॉट को सिलेक्ट करो. मैंने एक, पता नहीं मैं इस चीज़ को क्लियर कर पाऊंगी या नहीं, बट मैंने एक वो चीज़ सुनी थी कि अगर ये पर्सन, ठीक है, अगर एक कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में आता है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको हमेशा ना वो सेकंड पर्सन चूज़ करना चाहिए. यानी अगर आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा लाइफ में ना सेकेंड ऑप्शन चूज़ करो. क्यों सेकेंड ऑप्शन क्यों चूज़ करो? क्योंकि अगर फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना होता ना, तो आप सेकेंड ऑप्शन के बारे में सोचते ही नहीं. इस चीज़ को समझ रहे हो आप? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है कि अगर आप स्टे करना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में. अब देखो ये जो, डोंट बी ऑफेंडेड, ठीक है, पर्सनली मत लेना, ये मेरी गाइडेंस है बस. आप लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते तो लीव इट. बट यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी है कि अगर आपकी एनर्जी है स्टे वाली ना, ठीक है, तो स्टे करो. लेकिन अगर एक थॉट आया है ना मूव ऑन करने को, तो मैं ये कहूँगी फिर मूव ऑन कर जाओ. क्योंकि अगर स्टे करना होता ना अपने लाइफ में, तो मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोचते, सोचना इस बारे में. ठीक है, डोंट बी ऑफेंडेड. ठीक है, मैंने सिर्फ एक गाइडेंस दी है, क्योंकि मैंने ये कोई सुना था, एंड इट्स लाइक बहुत पहले मैंने कहीं सुना था, डोंट नो व्हाई, कि हमेशा अगर दो ऑप्शंस आपकी लाइफ में हो, तो हमेशा सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए. आर यू एग्री? एग्री करते हो आप इस चीज़ से? तो इसलिए इस चीज़ को सोचना कि आपके माइंड में कभी वो सेकेंड ऑप्शन आया है. अगर फर्स्ट ऑप्शन में आपको स्टे करने का दूं, सेकंड ऑप्शन में आपको मूव ऑन करने का दूं, तो आपकी आप कौन सा, आप सेकंड ऑप्शन की तरफ भी सोचोगे, सुनोगे सेकंड ऑप्शन को भी? ये सोचना. ठीक है, चलो ये आज की रीडिंग है. रेजोनेट करी तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर जल्दी से कर दो, एंड फटाफट से लाइक ज़रूर करो मेरी वीडियो को, ठीक है, ताकि और इंक्रीज़ हो व्यूज़, और इंक्रीज़ हो, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों के साथ. अगर कोई आपको लगता है कि कोई और भी रिलेशनशिप के इश्यूज़ में, तो उनके साथ भी इसके लिंक को शेयर करो. ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. डू टेक केयर.